राधे राधे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् कार्य ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकार व्याप्त नचराचर तत्कदम दर्शित मुना तस्मही श्री गुरुवे नमः। गजानन भूत गराध सेवितम कपित जम्मू फल चारु भक्षण उमाकुतम शोक विनाशकारिकम नमामि विधुनेश्वर पाद पंकज। प्रथम गुरु को वंदना द्वितीय याद करे तृतीय सुमरु मेरी सारिदा मेरे कंठ पे करो प्रवेश। आइए प्रारंभ सुनते हैं सरस्वती वंदना जिसका कि आशीर्वाद हर कलाकार के ऊपर रहता है और उसी आशीर्वाद के कारण हम आप जैसे विद्वान श्रोताओं के दर्शन पाते हैं। प्रारंभ में सुनेंगे सरस्वती वंदना और फिर आपके सामने रंगारंग प्रोग्राम भजन जिगरी कंपटीशन और आपके जंगल में इस प्रोग्राम में हर गाने वाला नौले पे देना है आप लोगों को मालूम है विद्वानों। मा सारे रे
आते हैं प्रसंग की तरफ। ध्यान दे, ऐसा कोई प्रसंग नहीं जो कि मेरे विधान श्रोताओं ने दो चार बार अपने इन श्रवणों से नहीं सुना हो। लेकिन बिठाना हर गाने वाले का तरीका व ढंग अलग अलग होता है, और जिक्र उस समय का है मेरे श्रोताओ। एक बार महाराजा सिंदूल और मुंज दो भाई थे। आज बड़े भाई ने अपने छोटे भाई मुंज को बुलाया और कहा कि भैया यह मेरा अंतिम दिन है और मेरे मरने के बाद में तेरा यह भोज भतीजा है, इसको कोई यह महसूस नहीं होनी चाहिए कि इसका कोई पिता नहीं है। इतना कहकर के महाराजा सिंदूल अपने प्राणों का त्यागन कर देते हैं। भाई के कहे अनुसार प्रजा का मालिक मुंज को बना दिया जाता है। आगे ध्यान से बातचीत न करें, कसू उगा इसी जिंदगी से। हाँ देखो ये बगैर अध्यक्ष की सभा तो बना मत। हम सबके हाथ जोड़ के कह रहे हैं, निवेदन करके कह रहे हैं, प्रोग्राम में ये ठांग। देखो मैं एक ही बात कहूंगा, आप बुजुर्ग आदमी है, क्योंकि सर्वप्रथम नंबर है और गवैया को जब मन लगे जब पब्लिक आ जाए है जी, पर कोई दिक्कत ना है, आप अपना दिल को धैर्य रखिए, आनंद जरूर आएगा। ध्यान दें, बड़े भाई ने इतना कह करके अपने प्राणों का त्यागन कर देते हैं। भाई के कहे अनुसार प्रजा का मालिक छोटे भाई मुंज को बना दिया गया, और मुंज ने भी क्या किया, भाई के कहे अनुसार आज भोज कुमार को अच्छे से विद्यालय में एडमिशन दिलाया गया। भोज कुमार पढ़ने के लिए जाता था, एक दिन राजा ने सोची देखूं तो सही भोज कुमार पढ़ने में है कैसा, आदि सी सेना को सजाया, पहुंच गया विद्यालय में, परीक्षा ली गई और क्या देखा, सभी छात्र छात्राओं में भोज कुमार सबसे होशियार लड़का पाया गया। राजा महलों में आया और यही बात सोचने लगा कि जब भोज कुमार अभी से इतना होशियार है, इतना बलवान है, आगे चलकर के यही हमारे राजपाट को छीनने की कोशिश करेगा, इसलिए मैंने सोचा है ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। प्रातः होने से पहले भोज कुमार को जीवित नहीं देखना चाहता। रानी को पास में बुलाया और रानी से कहा, ए रानी, भोज कुमार को जानती है कि नहीं, पर सरकार हमारा बच्चा है, हमारा भतीजा है, लेकिन आप भैकी भैकी बातें क्यों कर रहे हो, बात क्या है कि भोज कुमार पढ़ने में बहुत ही होशियार है। रानी ने कहा, राजा साहब ये हमारे गौरव की बात है, रानी तू नहीं जानती भोज कुमार बहुत पढ़ने में होशियार है, आगे चलकर के यही हमारे रास्ते का कांटा बनेगा, इसलिए मैं भोज कुमार को जिंदा नहीं देखना चाहता। रानी ने बार बार समझाया राजा मुंज को, लेकिन राजा ने एक नहीं मानी, दरबार में मंत्री को बुलाया, तलवार को थमा दिया और कहा, जा भोज कुमार को विद्यालय से ले जा, और किस बहाने से ले जाना है, देना है तुझे, कपियाबा के कल में तेरे चाचा चाची तमाशा देख रहे हैं। भोज कुमार भागा, बेरा चलाएगा। आज मंत्री पहुंच गया, ये 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय माननीय श्री मोरध्वज मीना देते ही बार बार धन्यवाद, बच्चे को ले लिया विद्वानों, और पिया मां के कल में ले गया भोज कुमार।
मात्र एक मेरा भोज कुमार क्यों नहीं आया। माँ की ममता माँ की होती है विद्वानों, आगे सुनेंगे होता क्या है।
पर कहा प्रातः होने से पहले मुझे भोज का शीश चाहिए। आज बच्चा रोने लगा और मंत्री कहने लगा कैसे क्या किया मंत्री ने ज्ञान से तलवार को खींच लिया। खींच रही तलवार ज्ञान से भाई जब लखमालक की और दया और छाई। भोज कुमार ने कही सोच क्या टोकू और तू बाबा जल्दी मार बनी में। आज कोमल चेहरे को देख करके मंत्री के हाथों से तलवार छटक जाती है। भोज कुमार सामने तलवार को उठा दिया और मंत्री से कहा मंत्री साहब मुझे मरने का कोई गम नहीं है। जो मेरे चाचा ने कहा है आप वही कीजिए। बंधुओं ढोला के माध्यम से आज नन्ना सा बालक जिसकी उम्र 7 साल की है हाथों में तलवार है और मंत्री से कहा कैसे जी ये 50 रुपए का पुरस्कार माननीय श्री शिवराम मास्टर जी देते हैं। बार बार धन्यवाद। विद्यालय से दिया गया था भोज कुमार को 7वें था
संवाद को निकाला और पत्र लिखना प्रारंभ किया बंधुओं पर। कैसे चाहते लिख दूँ एक पाती भैया।